गांधी जयंती के मौके पर देशभर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी आज दिल्ली के राजघाट पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही महात्मा गांधी का सबसे पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम गाया गया। पीएम मोदी के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। गांधी जयंती के साथ ही आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी 116वीं जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को आज विश्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विजय घाट पहुंच पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे। दोनों ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किया है। गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी गांधी जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट पर फूल अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। रामनाथ कोविंद के साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने फूल अर्पित करके गांधी जी को नमन किया। गांधी जयंती पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राजघाट पहुंची। यहां सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। सोनिया गांधी के साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गांधी जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। गांधी संकल्प यात्रा को झंडी दिखाते हुए शाह ने देश भर के कार्यकर्ताओं को कहा कि वो चाहते हैं कि ये साल कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प का वर्ष बने। साथ ही कहा कि आज गांधी जयंती के दिन पूरा देश कृतज्ञ भाव के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिससे केवल देश के आगे जाने का रास्ता दिखाया जाएगा बल्कि सत्य और अहिंसा के रास्ते को फिर एक बार दुनिया के सामने रखा जाएगा। साथ ही शाह ने महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में देश को पहचान दिलाने वाली शख्सियत बताया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साबरमती आश्रम में जाएंगे। यहां पीएम मोदी देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 6 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां पार्टी की नगर इकाई द्वारा आयोजित समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू बघानी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 6 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। यहां वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए साबरमती आश्रम पहुंचेंगे, जिसके बाद पीएम साबरमती रिवर फ्रंट जाएंगे। यहां 20,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में देश को खुले में शौच के मुक्त घोषित किया जाएगा। इस समारोह के लिए गांधीवादी संस्थानों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों और छात्रों, शिक्षाविदों और ग्राम स्तरीय स्वच्छता कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। गांधी जयंती पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। आरएसएस के ट्विटर अकाउंट पर मोहन भागवत में संदेश को ट्वीट किया गया है। अपने संदेश में मोहन भागवत ने महात्मा गांधी को भारत की पुनर्रचना का ख्वाब देखने वाले तथा सामाजिक समता और समरसता से संपूर्ण पक्षधर बताया है। साथ ही महात्मा गांधी को अपनी बातों पर अमल करने वाला शख्स भी बताया है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उन्होंने हिंदी अखबार में लेख भी लिखा है और उनके योगदान को याद किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदुत्व भारत की रग रग में बसा है और जब तक इस देश में एक भी हिंदू है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार का उदाहरण देते हुए कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इस तथ्य के अलावा कुछ भी बदल सकता है। गांधी जयंती के मौके पर जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में कुछ नेताओं की नजरबंदी खत्म कर दी है। धारा 370 हटाने के बाद स्थानीय पुलिस ने ऐतिहासिक
एहतियात के तौर पर जम्मू में कई नेताओं को नजरबंद किया था। वहीं पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह को भी नजरबंद किया गया था। जम्मू में नजरबंद सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर से नजरबंदी अब हटा दी गई है। जिन नेताओं पर से नजरबंदी हटाई गई है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी के नेता शामिल हैं। वहीं कश्मीर में अधिकारियों को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक घाटी में हायर सेकेंडरी तथा सभी स्कूल 3 अक्टूबर तक और सभी कॉलेज 9 अक्टूबर से पहले खोले जाएंगे। अधिकारियों ने सभी स्कूलों में 1 अक्टूबर को पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजित करने का भी निर्देश जारी किया है। इस सिलसिले में सभी जिला कलेक्टरों को हिदायत दी गई है और स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के लिए इस प्रकार के इंतजाम और अंतिम रूप दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद 9 से लेकर 18 साल तक के 144 बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति यानी कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 5 अगस्त के बाद 144 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें अवैध तरीके से उठाया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 142 नाबालिगों को रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट राज्य पुलिस और एकीकृत बाल संरक्षण सेवाओं से प्राप्त पैनल के आंकड़ों पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां बीएसएफ ने बंगाल में घुसे 6 बांग्लादेशी घुसपैठिए और 11 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं अलग अलग जगहों पर चलाए गए बीएसएफ के तलाशी अभियान के बाद उनके हाथ कामयाबी लगी है। तलाशी अभियान में बीएसएफ के 99 मवेशियों के साथ ही 3938 बोतल फेंसिडिल भी जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार तस्करों में 9 मवेशी तस्कर और 2 फेंसिडिल तस्कर शामिल है। बिहार के लोगों पर बेतुका बयान देने के मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में अब इजाफा होना शुरू हो गया है। केजरीवाल के बयान पर मुजफ्फरपुर सीजेएम में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। वहीं अब मुजफ्फरपुर सीजेएम में केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर के अगले ही हफ्ते चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम आएंगे। यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्थिर रखने और व्यापार संबंध को लेकर चर्चा का केंद्र बिंदु हो सकता है। ये दूसरी अनौपचारिक बैठक सीमा विवाद समाधान के अगले चरण की योजना बनाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन को अधिक भारतीय उत्पादों का निर्यात करने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार गलियारे की प्रगति पर भी ध्यान दिया जाएगा। गांधी जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। यहां सीएम योगी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने महात्मा गांधी के कामों को याद किया और उनकी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को नमन किया। सीएम योगी के साथ इस मौके पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। गांधी जयंती के मौके पर सीएम योगी ने चरखा चलाकर सूत भी काटा है। वहीं सीएम योगी के साथ इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। चरखा चलाने और सूत काटने के साथ ही सीएम योगी ने महात्मा गांधी के विचारों को सबके साथ साझा किया है। गांधी जयंती पर सीएम योगी ने साफ सफाई अभियान भी चलाया है। सीएम ने इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हर किसी को प्लास्टिक का विरोध करने और स्वच्छता अभियान में सहयोग करने का संकल्प दिलाया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कई नेताओं और मंत्रियों के साथ मिलकर लखनऊ में सड़कों पर झाड़ू लगाया है और साफ सफाई का संदेश दिया है। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में पदयात्रा निकाली। वहीं प्रियंका गांधी की इस यात्रा में अचानक भगदड़ भी मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों और पत्रकारों को चोट भी लगी है।
लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कॉल्विन कॉलेज वार्ड में स्वच्छता अभियान और पॉलिथीन संग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सफाई अभियान चलाते हुए सड़कों पर झाड़ू लगाई और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान भी बताए, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल का खत्म करने की बात भी कही है। लखनऊ में समाज कल्याण निदेशालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पहुंचे हैं। उनके साथ ही समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, मंत्री अनिल राजभर, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के भी मौजूद रहे। इस मौके पर नंद गोपाल गुप्ता और रमापति शास्त्री ने वृक्षारोपण किया है, जिसके बाद छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रोग्राम किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 36 घंटे के लिए यूपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र का बहिष्कार करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की तुलना दुर्योधन से की है। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर विपक्ष इस बात की मांग करता था कि उसे पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात रखने का मौका मिले, और आज जब मौका दिया गया तो वो मौजूद नहीं है। साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष के बहिष्कार को सदन और गरीबों और महात्मा गांधी का अपमान भी बताया है। यूपी कैबिनेट बैठक में सरकार की तरफ से 21 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें दिव्यांगजन विभाग में शासनादेश जारी करने के लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 में बदलाव भी किया गया। क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 के अध्याय 4 में बदलाव के साथ ही फेज 2 के अंतर्गत 13 मेडिकल कॉलेज और बनाए जाने के प्रस्ताव पास हुए हैं। यूपी के कुशीनगर के हॉस्पिटल में तीमारदारों और हॉस्पिटल कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया है। वहीं मामला पेडरोना के नवजीवन हॉस्पिटल का है, जहां कुछ लोग एक मरीज को लेकर आए थे। वहीं तीमारदार डॉक्टर से जल्द इलाज की बात कह रहे थे, तभी अस्पताल के स्टाफ कर्मचारियों से उनका विवाद शुरू हो गया। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल हाथरस के सरकारी स्कूल में गांधी जयंती के मौके पर प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा था, तभी हाई टेंशन पावर लाइन का एक तार स्कूल कैंपस में टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि तार वहां मौजूद बच्चों और शिक्षकों के ऊपर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस थाने में जुर्म यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा शायद, लेकिन यूपी के झांसी में शहर कोतवाली में ही जिम का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन एसएसपी ने खुद फीता काटकर किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक रामीण ने पुलिस कर्मियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम करने की टिप्स भी दी है। यूपी के बिजनौर में हनुमान मूर्ति को स्थापित करने के दौरान दो समुदाय के बीच पथराव हो गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। संभल में शॉर्ट सर्किट से मेहता फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग से पूरी फैक्ट्री राख के ढेर में तब्दील हो गई है। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने काफी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया है। यूपी के बरेली में अशोका फार्म की अशोका मल्टी प्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी जयंती के मौके पर पद यात्रा निकाली है। दौरान उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे। देहरादून में पुलिस हेडक्वार्टर में गांधी जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी समेत सभी पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी और फूल चढ़ाए।
बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति और लोगों को हो रही परेशानी ने नीतीश सरकार को एक बार फिर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हालत का जायजा ले रहे हैं, तो इसी के मद्देनजर जब सीएम नीतीश मीडिया से मुखातिब हुए तो पत्रकारों के सवाल नीतीश कुमार उल्टा पत्रकारों पर भड़क गए। नीतीश कुमार से जब बिहार में आई बाढ़ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि देश और दुनिया के कितने हिस्सों में बाढ़ आई है, क्या पटना के कुछ हिस्सों में पानी ही एकमात्र समस्या है, क्या हुआ अमेरिका में। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में एक नाबालिग लड़के की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के छर नचपरा मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां बीच चौराहे पर एक नाबालिग लड़के को ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़ाकर पीटा गया है। लोगों का आरोप है कि नाबालिग मोबाइल फोन चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। इधर उचानल से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को फिर से बीजेपी का टिकट दिया जाने के बाद पहली बार बीरेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार समेत उचाना में अपने गांव डुमरखा पहुंचे हैं। वहां के दादा खेड़ा पर पूजा अर्चना की। इस दौरान वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता ने अपने बेटे सांसद विजेंद्र सिंह के साथ कपास मंडी में एक जनसभा का भी आयोजित किया और संबोधित किया। पटौती विधानसभा में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियां पोस्टर बैनर ढके हुए हैं। मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बावजूद इस पोस्टर और बैनर नहीं हटाए गए। प्रत्याशी खुलेआम प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। पृथला में बीजेपी की ओर से दोबारा टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पृथला विधानसभा में टिकट मांग रहे नयनपाल रावत ने आईएनटी चंदावली में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने नयनपाल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं समर्थकों के कहने के बाद नयनपाल रावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को वो नामांकन भरेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर की उसी के कार्यालय में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। चश्मदीदों के मुताबिक दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के टोहाना से एक हफ्ते से गायब शख्स का शव नहर के पास से बरामद हुआ है। गांव वालों ने पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, साथ ही लोगों ने इंसाफ दिलाने की गुहार भी लगाई है। मध्य प्रदेश में दो बच्चों की हत्या के विरोध में हरियाणा के टोहाना में भी प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। इस मार्च में बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने नदी में फंसे कुछ बच्चों को काफी मशक्कत के बाद बचाया है। ये बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सियों के सहारे इन बच्चों को बाहर निकाला। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद बैंकिंग सेक्टर टूटने से इसमें भारी गिरावट आने लगी है। सुबह कारोबार की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सेंसेक्स 228 अंकों की मजबूती के साथ 38,895 पर खुला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 362 अंकों की गिरावट के साथ ही 38,305 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले सत्र में कच्चे तेल के दाम में आई भारी गिरावट के बाद रुपए में मजबूती दर्ज की गई है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ है। आज एक डॉलर की कीमत 70.73 रुपए दर्ज की गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद ऑटो सेक्टर से मंदी दूर नहीं हो पा रही है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के सितंबर में बिक्री में 24.4% की गिरावट की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
इधर कर्ज से का संकट से घिरी अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस कैपिटल अपनी दो सहायक कंपनियों को बंद करने जा रही है। दो साल पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस पर ताला लगने के बाद अनिल अंबानी का यह दूसरा बड़ा कारोबार है जो बंद होने जा रहा है। सरकार अच्छी हालत में चल रही सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटेजिक हिस्सेदारी बेचने जा रही है, साथ ही वो मुश्किल में घिरी एयर इंडिया को बेचने की ठोस योजना बना रही है। वहीं सचिवों के एक समूह ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BEML, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में स्ट्रैटेजिक सेल को मंजूरी दी है। तो अब चुलबुल पांडे के अवतार में एक बार फिर सलमान दबंग 3 के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं सलमान खान की फिल्म का एक टीजर रिलीज हुआ है। सत्यमेव जयते की सक्सेस के बाद अब मेकर्स ने कुछ दिन पहले ही सत्यमेव जयते के 2 पार्ट की अनाउंसमेंट भी की है। अब फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद फिल्म के पोस्टर्स भी सामने आ चुके हैं। पहला पोस्टर लीड एक्टर जॉन का है तो दूसरा पोस्टर फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार का है। दोनों ही पोस्टर्स में जबरदस्त लुक देखने को मिलता है और लगता है कि जॉन एक बार फिर एक देशभक्ति से भरपूर मूवी लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी के प्लानिंग और फिट इंडिया मूवमेंट से अब बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा जुड़ गई हैं। ये बात खुद मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है। वीडियो में मलाइका ने पीएम मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू की योजना की तारीफ करते हुए लोगों से इस कैंपेन में शामिल होने के लिए कहा है। जानी मानी फिल्मकार मीरा नायर की ए सुटेबल बॉय सीरीज के स्टार कास्ट में रसिका दुग्गल, नमित दास, गगन देव, रियार, दानिश, वहीं रजनी, मिखाइल सेन और माहरा कक्कड़ जैसे कलाकार भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले सीरीज के स्टार कास्ट में तब्बू, ईशान खट्टर और तानिया मनी मानिक तला जुड़े हुए हैं। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर रिमार्क कार्ड की फोटो शेयर की है। वहीं इस रिमार्क कार्ड पर जो लिखा है उसे पढ़कर आपको विश्वास नहीं होगा वो कितनी शरारती थी। पहले तस्वीर में लिखा है, दीपिका क्लास में बहुत बात करती हैं। दूसरी, दीपिका को निर्देशों को पालन करना सीखना चाहिए। तीसरे और आखिरी तस्वीर में लिखा है, दीपिका दिन में सपने देखती हैं। दीपिका के इन रिमार्क्स पर रणवीर सिंह ने कमेंट कर रिएक्ट किया है।